हेलो गाइस, मैं विदेश अगर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, एंड में कहाँ पे बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है। गाइस, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है पावर ऑफ सेटअप्स, तो आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल एंड पुट प्रोवाइड करते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के। जैसा कि आज हमने बैंक निफ्टी का कॉल प्रोवाइड किया था 36,000 का सीई आपको 385 के लेवल पर, एंड वहाँ से हमें 477 के हाइएस्ट टारगेट भी देखने को मिले। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमें इंडियन मार्केट में कहाँ पर बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। अगर गाइस हम ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करें तो डाउ फीचर्स जो हैं वो भी 29 पॉइंट की पॉजिटिविटी अभी दिखा रहे हैं, एंड यहाँ पे अगर मैं नैस्डैक की बात करूँ तो नैस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अभी एक अच्छा साइन नहीं है हमारी इंडियन मार्केट के लिए भी, एंड अगर हम ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में हमें नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो चलिए अभी हम इंडियन मार्केट में देख लेते हैं हमें कौन से लेवल कल को देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए गाइस, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें इमीडिएटली 15 मिनट की कैंडल में अच्छी खासी बैंग देखने को मिली, एंड मार्केट में यहाँ पे फिर जो 36,000 का राउंड लेवल था यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस रिएक्ट किया है। आफ्टरनून तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा, एंड आफ्टरनून के बाद यहाँ पे तीन बजे के आसपास मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, जो कि इस रेंज को मार्केट अभी ब्रेक कर चुका है। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन है कि मार्केट ने अभी यहाँ पे 36,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। एंड अगर आप देखें तो गैस आज की जो मार्केट थी उसमें कहीं ना कहीं जो कॉल बाय करते हैं उनके एंड जो पुट्स बाय करते हैं उन सभी के एसएल हिट हुए होंगे। तो गैस घबराने की कोई बात नहीं है, एसएल हिट होते हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोग हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करें, क्योंकि गैस क्या होता है अगर आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस हुए तो कोई बात नहीं, आप उनको कल रिकवर कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बड़ी क्वांटिटी में कोई एसएल हिट हुए हैं तो आपको मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो आप लोगों को क्या है, अपनी पोजीशन साइजिंग एंड आपको अपने स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। तो चलिए गाइस अभी हम देख लेते हैं हमें कल कहां पे बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर मान लीजिए गाइस मार्केट कल यहां पे 36,100 या फिर 36,150 के आसपास फ्लैट ओपन होता है, एंड यहां पे मार्केट जैसे ही 36,230 के लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आपको जो है बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि आपको पहला टारगेट यहाँ पे 36,450 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे गैस एक स्विंग है तो मार्केट अभी इस स्विंग को रिस्पेक्ट कर सकता है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आप लोग को ध्यान देना है, अगर यहाँ पे 36,500 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर आपको यहाँ पे 36,700 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए गैस यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, 36,200 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, अगर गैस इमीडिएटली मार्केट यहाँ पे 36,200 के आसपास आके यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, एंड यहाँ पे जैसे ही इसका हाई क्रॉस करेगा तो फिर आपको यहाँ पे एक बाइंग की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। आपका यहाँ पे सेम टारगेट होना चाहिए 36,450 के आसपास, एंड अगर जैसे ही यहाँ पे ये लेवल जैसे क्रॉस होगा तो फिर आपको यहाँ पे 36,700 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं मार्केट में सेलिंग कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। गाइस जैसा कि अभी आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, तो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तो आपको यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी 36,000 एक राउंड लेवल है, तो मार्केट जब तक कि इसके नीचे ट्रैवल नहीं करने लगता तब तक आपको सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट 15 मिनट की कैंडल को क्लोज करता है एंड उसके नीचे जैसे ही आता है इमीडिएटली आपको यहाँ पे सेलिंग की पोजीशंस को बना लेना है, एंड आपका जो टारगेट है वो 35,700 एंड 35,600 के आसपास का होना चाहिए। तो चलिए गाइस अभी हम देख लेते हैं अभी हमें निफ्टी में किस तरह के सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। अगर आप निफ्टी भी देखें तो निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ, एंड यहाँ पे आपको इमीडिएटली बाइंग देखने को मिली 15 मिनट में, एंड मार्केट पूरे दिन इसी रेंज में रहा एंड यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पाया, बट 3 बजे के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया है। तो ये एक अभी अच्छा साइन है इंडियन मार्केट के लिए। अगर मैं यहाँ पे बाइंग लेवल की बात करूँ तो मार्केट कल अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है एंड यहाँ पे अगर 17,100 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर आपको यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि आपको पहला टारगेट 17,200 के आसपास का होना चाहिए, एंड यहीं पर अगर ये लेवल क्रॉस होता है 17,200 तो फिर आपको यहाँ पर 17,280 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों को इन लेवल पर नज़र बना के रखना। अगर यहाँ पे अभी हम मार्केट में डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे गैस डाउन साइड के लिए अभी मार्केट को यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही मार्केट ने
यहाँ पे भी देखिए मार्केट अभी एक 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 रेंज बना रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ आएगा एंड यहाँ पे जो ये लेवल है इस लेवल को जब क्रॉस करेगा 16,960, तो फिर आपको यहाँ पे जो 16,900 के तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल भी जब क्रॉस होता है ऐसी कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना के, तो फिर आपको यहाँ पे 865 या फिर 840 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पहले प्राइस एक्शन को देखना है, उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पे पोजीशंस को बनाना है। मैं आशा करता हूँ गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं एंड हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।